हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूं कि हां भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर वन, दोस्तों मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े कई रहस्य हमने बचपन से लेकर अब तक सुने हैं। जैसे इनकी पेंटिंग को देखते रहने पर ऐसा फील होता है जैसे मोनालिसा हंस रही है। आपने भी सुने होंगे और इस पेंटिंग को कई बार देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसमें उनके आईब्रोज नहीं है। ध्यान से देखिए। नंबर टू, दोस्तों बिच्छू के बारे में तो आप जानते ही हैं, इस धरती पर मौजूद सबसे जोरदार काटने वाला जीव। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिच्छू एक ऐसा जीव है जो पानी में सांस रोककर पूरे 6 दिनों तक रह सकता है। जी हाँ, बिच्छू लगातार 6 दिनों तक पानी में बिना सांस लिए रह सकता है और इजिली सर्वाइव भी कर सकता है। इसलिए पानी के अंदर हो या बाहर, बिच्छू को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। नंबर थ्री, वैसे दोस्तों आप बुद्धिमान हैं या नहीं, इस बात का अंदाजा भाई आप हमारे इस क्लिप को देख के लगा सकते हैं। दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो रात को देर से सोते हैं, क्योंकि उन्हें रात को जल्दी नींद नहीं आती। जबकि जो रात को जल्दी सोते हैं वो दूसरों की अपेक्षा थोड़े कम बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने सोने के टाइम से अपनी बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगा लीजिए। नंबर फोर, भाई एग्जाम और चीटिंग ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हर जगह एग्जाम में थोड़ी बहुत चीटिंग तो होती है। हालांकि सरकार इस चीटिंग को रोकने के लिए पूरे प्रयास करती है। हर गवर्नमेंट अलग अलग तरह के रूल्स भी निकालती है जिससे चीटिंग ना हो। लेकिन दोस्तों, बैंकॉक की गवर्नमेंट का चीटिंग को रोकने के लिए आप जब रूल सुनेंगे ना, तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ की सरकार ने स्कूल्स में एग्जाम के वक्त चीटिंग रोकने के लिए स्टूडेंट्स को कागजों से बने कुछ इस तरह के हेलमेट पहनना कंपलसरी किया है, जिस वजह से ये स्टूडेंट सिर्फ पेपर और अपने सामने देख सकते हैं, इधर उधर कहीं भी नहीं। नंबर फाइव, भैया देखिए, कोका कोला को पसंद कौन नहीं करता भाई, हर किसी की फेवरेट होती है। और अगर ये कोका कोला की एक कैन अगर फ्री में मिल जाए फिर तो भैया मजा ही आ जाता है। शायद आप ना जानते हो दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर में ऐसा पॉसिबल है। जी हाँ, दरअसल सिंगापुर में दोस्तों एक हगमी करके मशीन है। इस मशीन को अगर कोई व्यक्ति हग करता है ना, तो आप जानते हैं ये मशीन फ्री में उसे कोका कोला की कैन देती है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है ना, मजेदार। आप अगर कभी जाएं तो प्लीज ट्राई करना। नंबर सिक्स, चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया में ऐसा कौन सा लिक्विड है जो सबसे ज्यादा बेचा और खरीदा जाता है। नहीं पता, अंदाजा लगाइए। वही आज की दुनिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आप लगभग हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, वो लिक्विड है दोस्तों पेट्रोल। जी हाँ, वही पेट्रोल जो आप रोजाना गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर सेवन, दोस्तों अगर कोई हमसे पूछे कि दुनिया में इंसानों के लिए सबसे वफादार एनिमल कौन सा है, तो बेशक सभी कुत्ते का ही नाम लेंगे। कुत्ते ना सिर्फ अपने मालिक का ख्याल रखते हैं बल्कि उन्हें सेफ रखने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। कई कई वीडियोस में तो ऐसा देखा गया है कि कुत्ते अपने मालिक और उनके परिवार को बचाने के लिए टाइगर तक से भिड़ जाते हैं। भाई कुत्तों की इसी वफादारी को देखते हुए नेपाल में दोस्तों एक कुकुर तिहार नाम का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग कुत्तों का सम्मान करते हैं, उन्हें उनका फेवरेट फूड खिलाते हैं, तिलक करते हैं और उन्हें उनकी वफादारी के लिए सम्मान देते हैं। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हमें भी कुत्तों के सम्मान में कुछ ऐसा करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। नंबर एट, दोस्तों 3 से 4 हजार किलोग्राम वजन वाला हाथी इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, जो कि काफी शांत होता है और समय आने पर ही दोस्तों अपना एग्रेसिव अंदाज दिखाता है। अब दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर जीव को आराम करने की जरूरत होती है। इंसान और छोटे मोटे जानवर तो भाई लेट कर सो जाते हैं, लेकिन हाथी भी दोस्तों एक जीव है, तो आखिर वो इतने वजन के साथ कैसे सोता होगा? मैं बताता हूँ, दरअसल दोस्तों हाथी कभी भी लेट कर नहीं सोते, वो हमेशा खड़े खड़े ही सोते हैं। सही सुन रहे हैं आप, और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन हाथी एक ऐसा एनिमल है जो पूरे 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे ही सोता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये रैंडम फैक्ट जरूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।